नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी की धरती पर बुलंदशहर पर हैं। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई विजय कुमार सैनी से, जो एक बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छे अध्यापक भी हैं म्यूज़िक के, जो बहुत सारे हजारों की तादाद में बच्चों को फ्री ऑफ द कॉस्ट भी पढ़ाते हैं और जो देने में सक्षम होते हैं उनसे चार्ज भी करते हैं। विजय कुमार जी, आपका ऐसे न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आई स्पेशली वांट टू से थैंक्स टू एसएम न्यूज़। आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्लेजर टू बी हियर विद यू। थैंक यू विजय जी। विजय जी के बहुत सारे बहुजन समाज के गाने हैं जो बहुत चर्चित हैं। अब मैं बताऊं तो उससे ज़्यादा बेहतर है क्यों ना हम विजय जी से ही पूछ लें। विजय जी, आपका जन्म कब और कहाँ कैसे हुआ उसकी बताएं। एक गांव है जखेड़ा रहमतपुर, उसमें मेरा जन्म हुआ। मैं 5 मार्च 1990 को जन्मा हूँ जी। 29 वर्ष मेरी उम्र है इस वक्त जी। और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा जी। और मेरा जीवन जो है वो बहुत संघर्ष से घिरा हुआ रहा है। उसी के कारण शायद मेरी ऊर्जा जो है आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जितना ज़्यादा खुद को तपाया है उसकी जो तपिश से जो ऊर्जा पैदा हुई है। कहते हैं ना, तपके सोना निखरता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज विजय कुमार जो तपके निकले हैं वो बिल्कुल सोने की तरह निखर कर आए हैं और बहुजन समाज का नाम रोशन कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो यही मेरी जीवन गाथा रही है। मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएट किया है म्यूजिक से और एजुकेशन से जी। और मेरा सपना कभी भी एक टीचर बनना नहीं था जी। मेरा सपना हमेशा एक संगीतकार, एक गायक बनने का था जी। और आज भी वो सपना मैं सजाए हुए हूँ। टीचर होना बहुत भी बहुत गर्व की बात है जी। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री मुझे मिला है विरासत में, क्योंकि बाबा ज्योतिबा फूले का वंशज होने के नाते खुद को एक शिक्षक कहते हुए मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ जी। तो यहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद में तो पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ लोगों से मुलाकात हुई। सियाना बुलंदशहर जी, एक बात और बताइए, इसकी जो गायकी की प्रेरणा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा के लिए कोई ऐसा स्रोत तो है नहीं, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे बताते हैं कि मैं बचपन से ही गाता हूँ। यानी 1-2 साल की उम्र से भी मैं गाता था, लेकिन गीत मैंने बहुत सारे गाए, लेकिन जो बहुजन गीत गाने का जो मुझे अवसर मिला सबसे पहले, गांव पड़ता है सियाना तहसील में, बुलंदशहर के सियाना तहसील में गांव पड़ता है सराय। 25 जनवरी 2017 को मेरा पहला प्रोग्राम लोगों की बहुत ज़िद के बाद हुआ कि आप बहुजन कार्यक्रम कीजिए। मैं उससे पहले सभी तरह के कार्यक्रम करता था और उस कार्यक्रम ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उस कार्यक्रम के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उस कार्यक्रम ने और उस गांव के लोगों ने इस सड़क पे चलने वाले बच्चे को संसद तक पहुंचाया। मैं 2 बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने संसद भवन में अपनी प्रस्तुति दे चुका हूँ, और पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन गया है भीम मिशन का, विजय कुमार सैनी। लोग बहुत बहुत पैसे देने देख के बाद बुलाते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ समाज मुझे देने में सक्षम है वहाँ मैं लेने में कसर नहीं छोड़ता, और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे दे के आने हैं तो मैं अपनी जेब से भी उनको दे के आता हूँ। यानी मिशन में आने का जो मेरा मकसद है वो पैसा कमाना नहीं। विजय कुमार जी के बारे में बता दूँ, जैसे इन्होंने अपने मुँह से बता दिया है, अगर कोई देने में सक्षम होता है तो उसे ले लेते हैं, और जो नहीं दे पाता तो वहाँ पर अपने सुख साधन के से ही पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ी इनकी एक खासियत है। विजय जी, आपने जैसे बताया कि आप बहुजन समाज के गीत नहीं गाते थे और फिर आपने गाने लगे बहुजन समाज के, तो बहुजन समाज के जब आप गाने गाते हैं तो आपको कैसा फील होता है उन लोगों में बैठ के, जो गरीब दरवे के लोग होते हैं, उसके बारे में बताएं जरा। दरअसल मुझे सच बताऊं तो मेरे दिल की फीलिंग ये है कि जब मैं लोगों के बीच में आता हूँ, बहुजन समाज के बीच में आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जैसी अपने हैसियत के लोगों में आ गया हूँ। क्योंकि अगर मैं कहीं और जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक अलग ही तरह की दृष्टि से देखा जाता है। बेशक मैं कितना भी अच्छा गायक हूँ, लेकिन आज भी वो लोग यही कोशिश करते हैं कि मैं उनके पैरों में बैठूँ, और मुझे ये आता नहीं है। मुझे यहाँ के लोग मुझे सिर पे रखते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है, चाहे पैसे मिले या ना मिले। तो कहते हैं ना, कोई पूछता ना था तेरी बंदगी से पहले, तूने मुझे छूके अनमोल बना दिया। तो बाबा साहब की और तथागत गौतम बुद्ध के मार्गदर्शनों पे चलते चलते आज विजय जी इतने ऊंचाइयों पर हैं। विजय जी, आपके बहुत सारे गाने मार्केट में हिट हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने जो फैंस हैं आपके, उनके लिए आप कुछ एक अच्छा सा जो आपको पसंद है, क्योंकि तो आपके सभी गाने अब सबसे एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन आप कोई अपना वो एक गाना बताएं जो आपको अपनापन ज़्यादा फील देता है। अभी एक गीत मेरा लास्ट ईयर हिट हुआ था, तो इस तरह से था उसमें कि जो लोग हमको धमकाते हैं उनके लिए गीत था हमारी तरफ से, उनको एक जवाब था। कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आँख दिखाए तो आँख दिखा देना, आँख दिखा देना, हम भीम राव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीम राव के बच्चे हैं उनको समझा देना, वो भारत भाग्य विधाता
पहचान बता देना वो नारी मुक्ति दाता, पहचान बता देना हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। ये मेरा गीत जो मैंने लास्ट ईयर लिखा था, ये बड़ा हिट हुआ, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है यूट्यूब पर और करीब 50 चैनल पर डला हुआ है मेरी स्वीकृति से। जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो वैसे भी प्रसाद स्वरूप है, सब तक समाज की बातों तक पहुँचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है विजय जी। ठीक है, विजय जी ने बताया अपने गाने के बारे में और ये जो राइटिंग थी किसने लिखी थी? मैं राइटर खुद ही हूँ। अच्छा, हाँ, गीतकार, संगीतकार और गायक जी, कंपोजर जी, वो सारे काम मैं खुद ही करता हूँ जी। मैं इसीलिए किसी पे आश्रित भी नहीं हूँ। तो आपका स्टूडियो की रिकॉर्डिंग के लिए आप बाहर जाते हैं, क्या रहता है वो? नहीं, खुद का ही स्टूडियो है। अच्छा, आपका खुद का स्टूडियो है? हाँ, अपना खुद का स्टूडियो है और बल्कि बहुजन समाज का स्टूडियो है। जितने भी कलाकार हैं, आपके यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गायक सीखते हैं, तो आपको लगता है कि आपके यहाँ जो सीखता है उसको भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज के बच्चे जो सीख के आगे निकलते हैं तो उनको भी मैं अच्छे प्लेटफॉर्म दूँ? जी, मैंने जो स्टूडियो बनाया है उसका मेन मकसद यही है कि जो बहुजन प्रतिभाएँ हैं छिपी हुई, उन्हें मंच नहीं मिल पाता प्रॉपर, तो मैं उस चीज़ के लिए उनकी मदद करना चाहता हूँ। और जितने भी लोग हमारे SM न्यूज़ के इस चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आपके नज़दीक में यदि कोई भी बच्चा है जो गायकी सीखना चाहता है या बहुजन मिशन के गीत गाना चाहता है, उसको एक स्टूडियो, एक म्यूज़िक कंपनी की ज़रूरत है, तो विजय कुमार सैनी और मेरी पूरी टीम उसके साथ खड़ी है। मैं तन मन धन से उसके साथ हूँ, वो मेरे तक किसी तरह से भी पहुँचे और मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये थे विजय कुमार सैनी जी। ये दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतना ही इनका दिल भी बहुत खूबसूरत है। गरीब ज़रूरतमंदों की हमेशा सेवा करते रहते हैं, क्योंकि विजय कुमार जी ने बताया कि वो खुद एक गरीब परिवार से निकले थे, तो उस दर्द को वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो आप कभी भी कर देंगे, लेकिन सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नीरज कुमार जी का मैसेज सारे विजय कुमार जी का मैसेज सारे देश में जाना चाहिए, सारी दुनिया में जाना चाहिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरतमंदों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं।